देखा और रसगुल्ला हम खाते हैं। हालांकि सभी लोग हम लोग खाते हैं, लेकिन बंगाली लोग क्या सभी चीज खाते हैं। जो खावे पानी पीना है तो जो खावे चाय खाओ हमें। तो एक बंगाली दिक्कत थी हमारी पीढ़ी की, मतलब बंगाली जब हमने बिस्कुट खावे या बिस्कुट पीते चाय खावे तो हर एक चीज को खावे बोलते हैं। संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं जो इसके अलावा उनकी भाषा नहीं है। लेकिन जो हमें संविधान में जिस मान्यता मिली है, इस उद्देश्य से हम इस भाषाओं को और विस्तृत करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आज की बात है। इस कार्यक्रम को के आगे को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ। सिस्टर आए और इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दें। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। मैंने बात किया था है केवल आनंद लो कि किस भाषा में सुनने और समझने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये शिक्षक है, अभी भी बहुत अच्छा नहीं आ रही है आपकी। अभिव्यक्ति की या एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, अपने बातों को दूसरे तक समझाना, यही ना है साधारण शब्दों में। अब प्रश्न है कि क्या बोलकर ही चीजों को समझाया जा सकता है? नहीं, किसी के जुबान भी नहीं होते ना, तो वो भी अपने भाषा का उपयोग करता है और उसके कम्युनिकेट करने में सारी चीजें समझ में आती है और बहुत ही प्यारा लगता है। स्कूल में ऐसा ही मेरा एक दोस्त भी है, छोटी एवं डाइवर्सिटी, अनेकों में एकता, चाहे भाषा में हो, देश में हो, बोलचाल में हो, पहनावे में हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, विश्वास हो, हर एक चीजों में अनेकता। कहा करते हैं लोग, इंडिया घूम जाओ तो पूरा दुनिया घूम गए। आज तो इमेजिन फैक्ट में बताने जाता हूँ। एक बहुत अधिक पानी कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी, है ना। एक गांव दूसरे गांव से सटा हुआ है, लेकिन उसकी भाषा कुछ अलग है, इसकी भाषा कुछ अलग है। गंभीरता से सोचोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाषा में, लेकिन अभिव्यक्ति का साधन तो ही है भाषा और डायलेक्ट। कभी कभी आता है ना शब्द में डायलेक्ट, भाषा और उप भाषा, दोनों में अंतर है। जितनी भी चीजें घर बोलने में बोलने सारी उपभाषा है ना, और भाषा जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इस तरह से इसको भाषा बोल, राइट। जैसा मैडम ने भी बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 22 लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के तौर पर मान्यता मिली है, ठीक है। इसके अलावे दो ऐसे लैंग्वेज है, संस्कृत एंड तमिल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में उसको माना है। और बहुत से और इतिहास पे जाओगे तो पता चलेगा सारी भाषाएं हमारा संस्कृत से ऊपर है, वहीं से निकली, लोगों ने सुविधा अनुसार चर्चा चला गया। हम लोग झारखंड में क्या बोलते हैं? मजा आ गया। कुमारी है कोई? कोई कुमारी क्षेत्र से बिलोंग करता है? कुमारी हमारे हजारीबाग क्षेत्र की तरफ है, रामगढ़ क्षेत्र की भाषा है। कुमारी
माली, हम लोग के गांव की भाषा कुरमाली है, हम लोग वही भाषा को, भाषा का विलोपन विलुप्त कैसे हो जाता है, अब हमारे बच्चे नहीं जानते कुरमाली, क्योंकि उस वातावरण में परिवेश में पले ही नहीं, तो मतलब है हमारे पीढ़ी तक वो भाषा हमारे परिवार में समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी भाषाएं विलुप्त होती चली जा रही है। अब कुरमाली में सुनना पसंद करोगे कैसे बोलते हैं? जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रही, करना होगा तो अगर तोरा कहाँ जा रही, तोरा की जगह भी तोरा हो गया, तोरा कहाँ जा रही भोजपुरी भाषा पहले भोजपुर के क्षेत्र के अगल बगल के भाषा रहा, लेकिन धीरे धीरे एक विस्तार भे पूरा विश्व भे, मतलब फिजी देश का उड़िया का राष्ट्रीय भाषा था, नेपाल का, उत्तर भाषा था, मॉरिशस था, वो के भाषा भोजपुरी था, नेपाल के अगर भाषा था, भाषा के मूल तो माध्यम ही है ना कि हमारे जो बात बात हम सामने वाला समझे, और जब ये बात था पहले जो भाषा की जब बात भाई तो शुरू वाला में जब संविधान बना हो तो उसमें 14 मूल भाषा के वर्णन रहे, लेकिन बाद में एक संशोधन कर गए और उनमें 14 की जगह 22 भाषा हो गई। अभी जो वर्तमान में बात 22 भाषा के वर्णन था जिनमें भोजपुरी ना बा, लेकिन एक खातिर अभी भी संघर्ष चलता और भोजपुरी बा इनमें साहित्य भी लिखल गई बा जिनमें भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र के लोग नाम आ, ठीक बा ना? धन्यवाद, प्रणाम। उसे पहले लोग अपना नाम भी जोड़ देते ताकि शायद कोई दूसरा न चुरा। तमाम उम्र गालिब ये गलती करता रहा, चेहरे पर भूल थी और आईना पूछता रहा। समझ आया? आइए जवाब के सरो। सभी को आदाब। उर्दू एक बहुत लाजवाब जबान है, यह नवाबों की जबान है, इसकी बहुत सारी खासियत है। उर्दू जबान दुनिया में यास्ता और कदरत से बोली जाने वाली जबान में से एक है। यह एक ऐसी जबान है जिसकी बुनियादी आवाज़ादी मोहब्बत और यदहती का कारण है। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली इस जबान ने सारी दुनिया को कुछ इस तरह मुतासिर किया है कि आप किसी भी मुल्क में चले जाए तो उर्दू को चाहने वाले लोग मिल जाएंगे। उर्दू जबान भारत और पाकिस्तान के पड़ोसी देश और अफगानिस्तान बांग्लादेश में बोली जाती है। लोग कहते हैं जान कहती है और हिंदुस्तान कहते हैं ये मिटाने से नहीं मिट सकती, इसको उर्दू जबान कहते हैं। अब एक गजल पेश किया जा रहा है आपके लिए, आप सबके लिए एक गजल पेश किया जा रहा है। गजल इस तरह है, शायरी को भी वह काम समझ लेते हैं, शायरी को भी वह काम समझ लेते हैं, अपनी तफरी का तमाम समझ लेते हैं। कोई अफवाह ना फैलाना वतन में अपने, कोई अफवाह ना फैलाना वतन में अपने, लोग मोदी को भी इमरान समझ लेते हैं। देखकर उसकी मोहब्बत से भरी सूरत को सब उसे मीर का दीवान समझ लेते हैं। कितने तहजीब शुदा है मेरे भारत वाले, अपने दुश्मन को भी मेहमान समझ लेते हैं। बात करता हूँ मैं उर्दू में तो हैरत क्या है, लोग क्यों मुझको मुसलमान समझ लेते हैं। कितने मुश्किल है नए दौर में जिंदा रहना, लोग मरने को भी आसान समझ लेते हैं। शुक्रिया। सैटरडे का प्रोग्राम तय करें, बताएं हर एक सैटरडे को गुजरात की नई सारी चीजें। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, मारा वाले शिक्षकों अने नाना मोटा भाई बहन सबने दिलथी नमस्कार अने जय श्री कृष्ण। जेम के तमे जाणता हशो के अहींया झारखंड में तमे जोहार बोलो छो ने, तेम अमे अमारे त्यां कोई पण भगवान नुं नाम लेवातुं होय छे अथवा तो
નમસ્કાર નમસ્તે પ્રણામ એવું કંઈક બોલું છું. આજના વિશેષ અવસર પર હું ઉપસ્થિત છું મારી ગુજરાતી ભાષા સાથે અને તેના થોડાક બહુ ઉદાહરણ લઈ તમને ગુજરાતી ભાષાથી અવગત કરાવીશ. તમને બધાને ખબર તો હશે કે આ વિદ્યાલયની તૃતીય ભાષા ગુજરાતી છે. અમારા ખ્યાલ તમને એ લોકોને થોડી બહુ ગુજરાતી ભાષા આવડતી હશે અને થોડી બહુ વાંચતા પણ આવડે. જેમ કે ગુજરાતી ભાષામાં પણ અનેક પ્રકાર હોય છે. જેમ કે ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં કચ્છી ભાષા બોલાતી હોય છે, જેમ કે કચ્છી ગુજરાતી. પછી ચરોતર જિલ્લો એટલે કે આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં બોલાતી ચરોતરી અથવા થોડી દેશી ભાષા બોલવામાં આવે છે અને અન્ય મારવાડી અને કાઠિયાવાડી પણ બોલવામાં આવે છે. આમ અલગ અલગ પ્રકારની ગુજરાતી ભાષા અમારા ગુજરાતમાં બોલાતી હોય છે. ગુજરાતી ભાષામાં કેટલા એવા શબ્દો છે જેને ઊંધું કરીએ ને તો પણ એક સીધો શબ્દ બને છે, જેમ કે સરસ. હવે તમે લોકો એનું સીધું ઊંધું કરશો ને તો પણ એ સીધો જ બનતા છે. ગુજરાતી ભાષા અમારા ગુજરાતીઓની માતૃભાષા છે અને તેને અમે દિલથી ચાહતા હોઈએ છીએ અને અમારી ઓળખ અને કવિતા અમારી ઓળખ ગુજરાતી ભાષા છે. કેટલાક કવિઓ જેમ કે નરસિંહ મહેતા એવા મોટા મોટા કવિઓએ ગુજરાતી ભાષાને સુધારવામાં ઘણો યોગદાન આપ્યું છે. અને અમે જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે મા દ્વારા અમારી કવિતા સંભળાવવામાં આવતી હતી, જે હું અહીંયા પ્રસ્તુત કરું છું. મારો દીકરો ના આયો પાટલે બેસી ના આયો પાટલો ગયો હસી દીકરો ગયો હસી. આ કઈ કોઈ પણ નાનું બાળક રહેતું હોય છે ને ત્યારે દિલથી ખુશ થઈ જતું અને મા પ્રેમથી પોતાના બાળકને આવે ભાવ કરતી હતી. અને અહીંયા હું મારી વાણીને વિરામ આપતા બે શબ્દ બોલવા માંગુ છું કે જે બેસી રહ્યું છે જિંદગીના ભરોસે તેની જિંદગી કોઈ દિવસ સુધરી નથી શકતી. જે બેસી રહ્યું છે કિસ્મતના ભરોસે તેની જિંદગી કોઈ દિવસ સુધરી નથી શકતી. અને ગભરાશો નહીં મિત્રો, આ દુનિયા એને જ રોકવા માંગે છે જેની તે બરોબરી નથી કરી શકતી. ધન્યવાદ. અપને પિતાજી સે કૈસે કમ્યુનિકેશન હતા હૈ વો બતાના ચાહતા હું. કેલા ઉનાર ના નગર મતલબ બતાએ કિ કૈસે હો પિતાજી, કિમ ચેસ્તુન્નારુ, ક્યા કર રહે હો, भोजनम जैसा रहा लेना खाना खाया कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मतलब मैं लेकर आऊँगा ना आप झारखंड स्कूल ज़्यादा बन अच्छी थे सिमले का लोग नहीं बाहर से दूर ना मेरे को झारखंड का स्कूल सिमले का झारखंड का सिमले का स्कूल बहुत अच्छा लगा. मैं यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ. Sorry, 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 s
खड़िया भाषा नो प्यार करे चले खड़िया भाषा ते समान कर चले और है ना सुन इले ते खड़िया देखो नाम दे धन्यवाद मतलब लवे मन के दरकान की जवा मैं यहाँ हूँ एक खरीदा लेके करना है के मैं कुछ छुड़ा ना को मैं कुछ छुड़ा ना को जे तो लुगा के लंबाई से तो चरित्र कर गहराई बताई देवो मैं कुछ छुड़ा ना को जे तनिक रूम यहाँ भी बेकत पाछे हमर से दूर है ना को मैं कुछ छुड़ा ना को जे फूल बने के लगी सिगरेट में शराब विदिन रहे विद जाबो मैं कुछ छुड़ा ना को जे बाप के मेहनत के अपन आयासी में उड़ाए देवो मैं वो थोड़ा नको जे रोड के तिरल लहर वहां के दे ओकर वीडियो बना के लगू मैं वो थोड़ा नको जे देखो दे के फटाफट इंग्लिश बोल के ओके इंप्रेस करे जुट जाओ खुशी गरज उठे
लक्ष्मी बाई खड़गे मैदान चंद्रशेखर भगत जी माता कर जान कोयल 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 नाम सुनने थी कोयल कोयल के नाम से
बहन जी बताशा बताशा बहुत बड़ी मीठी तो यह कहल गया जे मैथिली जे होइ छै बड़ मीठ होइ छै पतो बताशो सके आ कोई बोलियो सर कहल जाइ छै हमरा सबके ओतऽ जे आपस में जे झगड़ा लोग करै छै सेहो बड़ नीक लगै छै सुनना बांग्ला भाषा की तो आम्रा प्रत्येके किछु बोलते चाहिए
শুধু মানুষ কেন, অন্যান্য প্রাণীরাও তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে চায়। তাই হয়তো গাভী ডাকলে বাছুর দৌড়ে আসে, পাখির ছানাগুলি কিচিরমিচির করলে মা পাখি খাবার নিয়ে আসে, অর্থাৎ সবার ভাষা আছে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করানোর জন্য বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করে আসছে এবং সেই সংকেত থেকেই ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে। এবার আমি তোমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে বলতে চাই যে বাংলা ভাষা কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা আছে। আমাদের দেশে মূলত হিন্দি ভাষাটাই বেশি ব্যবহার করা হয়। বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলে থাকে তাকে বাংলা ভাষা বলে। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, কাছাড় বা রাঘু উপত্যকার বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলে থাকে তাকেই বাংলা ভাষা বলে। আর যদি আমি বাংলা ভাষার নাম বলি আর তার মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম না আসে তাহলে কোনো প্রয়োজনই নেই বাংলা ভাষার। তো আমি তোমাদের এখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা লেখা কবিতা প্রস্তুত করতে যাই, যেটা আমরা ছোটবেলায় পড়তাম আর নিজের মা বাবাকে শোনাতাম। তো আজকে যেমন তোমাদের রবিবার মানে ছুটি, বাংলাতে সানডেকে রবিবার বলে, আর আজকে রবিবার আর আজকে তোমাদের ছুটি। তো কবিতার নামও হলো আমার ছুটি, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। তো চলো শুরু করছি কবিতা আমার। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। কি করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন বনে যাই, কোন মাঠে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। কেয়া পাতায় লঙ্কা করে সাজিয়ে দেবো ফুলে, তাল দেখিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে, রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চড়াবো আজ বাজিয়ে বেনু, মাখো গায়ে ফুলের রেণু চাপার বনে লুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। রসগোল্লা কহা মিলা, কহা সে আয়া, কেসে আয়া।